तो गाइस यार आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्लैश और सोनिक की फैमिली के बीच में दुश्मनी के बारे में, कैसे सोनिक ने किडनैप करी फ्लैश की वाइफ, फिर फ्लैश ने उसको बचाने के लिए क्या क्या किया। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। तो गाइस मैं अभी बाहर निकल चुका हूँ जेल से, आखिरकार 10 साल बाद जेल से बाहर निकल गया हूँ। मुझे यार उस क्राइम के लिए पकड़ा था जो कि क्राइम मैंने किया भी नहीं था। सोनिक की फैमिली ने यार मुझे फंसाया था उस क्राइम के अंदर, एक बैंक चोरी के अंदर उन्होंने मुझे फंसा दिया था, उसकी वजह से मुझे 10 साल के लिए जेल जाना पड़ा। पर अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, अंकल जल्दी से गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है, मेरी बीवी मुझे लेने आती होगी। अरे बाबू मैं आ गई, 10 साल बाद मैं अपने बाबू से मिलूंगी, बाबू बाबू मैं आ गई। अरे मेरी बीवी आ गई मुझे लेने, अरे हाँ आ रहा हूँ मैं, अबे जल्दी गेट खोलना है। अरे बाबू जल्दी आ जाओ बाहर, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज फ्लैश को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अरे ये क्या, अरे इसकी बीवी भी यहाँ पे आई हुई है, एक काम करते हैं इसकी बीवी को यहाँ से उठा ले जाते हैं। अरे पीछे देख सोनिक, अरे अरे भाई सोनिक क्या कर रहे तू? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अबे जल्दी खोलना, पुलिस वाले जल्दी खोल, मुझको जाना है यार। चुपचाप मेरे साथ बैठ जा वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अबे जल्दी खोलना भाई पागल, लेके तू गेट क्यों नहीं खोल रहा, मेरी बीवी को वो सोनिक उठा के ले गया। अरे आ रहा हूँ मैं, अरे कहाँ चले गया, अबे ये कहाँ चला गया गाड़ी लेके, अबे यार ये क्या हो गया, मेरी बीवी को किडनैप कर लिया। अबे 10 साल बाद मैं जेल से निकला था और वो बीवी को ले गया मेरी, अब मैं क्या करूँ, मुझे कैसे भी करके उसको ढूंढना पड़ेगा। भाई वो इसी तरफ गए थे, मुझे कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा। अरे यार क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जो मेरी बीवी यार बाइक ले गई थी वो उसकी बाइक है, यहाँ से मुझे कुछ मिल जाए। भाई यार ये क्या हो गया, मैं उसको कैसे ढूंढूंगा। अबे यहाँ पे तो सोनिक खड़े, ये ले निकल यहाँ से। अबे सालो तुमने मेरी बीवी को किडनैप किया, तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, बताओ कहाँ पे मेरी बीवी, साले तो निकल यहाँ से। अबे ओ चुपचाप बता दे मेरी बीवी को कहाँ पे लेके गए वरना मैं तेरे को मार दूंगा। अरे अंकल मैंने तो ना कुछ किया ही, अरे अंकल मुझे मत मारो। अबे चुपचाप बता दे कि तुम्हारा बेस कहाँ पे वरना मैं तेरे को मार दूंगा, सही बोल रहा हूँ मैं। अरे अंकल बताता हूँ ये लो एड्रेस लिखो। चल अब एड्रेस तो मुझे मिल गया है, यानी तू भी निकल यहाँ से। और भाई साहब मुझे भी एड्रेस मिल चुका है जहाँ पे मेरी बीवी को लेके, मुझे फटाफट से वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो फटाफट जाते और उसको बचा दे। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं अपनी बीवी को बचा लूँ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से कमेंट बताओ आप किसकी साइड हो, सोनिक की साइड की मेरी साइड यानी फ्लैश की साइड, फटाफट से कमेंट में बता देना। अभी अपन चलते हैं मेरी बीवी को बचाते हैं। तो गाइस मुझे यार अभी सोनिक के बेस के बारे में पता तो चली गया और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वो गाड़ी लेके। अभी यहाँ पे सामने मुझे एक दो सोनिक दिख चुके, तो मैं बिल्कुल चुपचाप से जा रहा हूँ झाड़ियों के बीच में से। मुझे पहले अपनी बीवी को ढूंढना पड़ेगा, मैं सीधा यहाँ पे हल्ला नहीं मचा सकता क्योंकि हो सकता है कि वो सोनिक मेरी बीवी को मार दे। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कि यहाँ पे सोनिक गार्ड्स खड़े, मुझे चुपचाप अंदर घुसना पड़ेगा, गन तो मेरे पास सही, अगर कुछ भी हुआ तो मैं सीधा उनको मार दूंगा। तो अभी फटाफट से यहाँ से अंदर घुसते हैं चुपचाप, और यहाँ पे भी और सोनिक खड़े हैं, चलो अंदर चलते चुपचाप से। तो गाइस सर अभी यहाँ पे देख सकते हो भाई ब्रिज के पास यार बहुत सारे सोनिक खड़े, मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा यार अंदर घुसने का। एक काम करो यहाँ से कूद के उधर से ऊपर चढ़ जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फटाफट से यहाँ से चढ़ते और यहाँ से मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, और ये मैं ऊपर आके भाई साहब किसी को पता नहीं चला, किसी सोनिक ने मुझे देखा नहीं। एक साइड यहाँ पे इतनी सारी वैनें क्यों खड़ी है, और मुझे लगता है क्या पता इसने मेरी बीवी को इन वैनों के अंदर बंद कर रखा होगा। फटाफट से इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे अंदर चलते हैं। अरे हेलो यहाँ पे कोई है क्या अंदर? अरे मुझे बचा लो। अरे भाई कौन हो तुम? अरे मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। अरे रुको रुको मैं तुमको बचाता हूँ, यहाँ पे कोई तो है पक्का, मुझे इसको कैसे करके बचाना पड़ेगा, बस कोई सोनिक मुझे देख नहीं ले और यहाँ पे काम करने वाले ये तो कुछ बोलने वाले। फटाफट से गेट तोड़ते हैं, ये ले। अरे आयरन मैन तू क्या पे कर रहा है? अरे थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अरे वो तो ठीक है, मेरी बीवी कहाँ पे है? अरे मुझे क्या पता थी मेरी बीवी कहाँ पे है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अच्छा अरे तो भाग गया। अरे भाई साहब मैं अपनी बीवी को बचाने आया था, आयरन मैन को बचा लिया, पर कोई बात नहीं अभी फटाफट चलते हैं अपनी बीवी को भी ढूंढते हैं। इस वाले गेट को भी फटाफट से तोड़ते, कौन है इसके अंदर? अरे थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अबे स्पाइडरमैन अभी तेरे को भी पकड़ रखा है इन्होंने। अरे हाँ इन्होंने इतने दिनों से मुझे पकड़ रखा है, खाने के लिए मोमोज भी नहीं दिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे भाई ठीक है चल भाग जा, तेरे को मैंने बचा लिया। अरे भाई साहब ये भी चला गया भाई, स्पाइडरमैन को भी इन्होंने पकड़ रखा था, मेरी बीवी कहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे इसमें है क्या कोई? लगता है इसमें कोई है नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मिनट सामने एक और ट्रक खड़ी है, पर ये बिल्कुल अलग तरीके से क्यों खड़ी रखी है, मुझे लगता है ये अभी अभी आ गई होगी क्योंकि जिसमें मेरी बीवी आई थी। फटाफट से इसके अंदर देखते हैं इसमें क्या मेरी बीवी है। हेलो हेलो इसमें कोई है क्या? अरे अरे फ्लैश मैं इसके अंदर हूँ, मुझे बचा लो। अरे ये तो मेरी बीवी है, अरे ये तो सही में मेरी बीवी है। अरे भाई बाहर आ जा। अरे फ्लैश मुझे लगता है गेट लॉक है, मैं बाहर नहीं आ पाई।
अरे यार कैसे करूं, अब ये गेट कैसे तोड़ूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये गेट किसने लॉक किया? अब तो मैंने यार गोलियां मार के भी दिख ली, कुछ नहीं हो रहा। मुझे लगता है मुझे इसकी चाबी चाहिए होगी। एक काम करते हैं, फटाफट से सोनिक को यहाँ पे मारते हैं और इसके पास चल के इसके जो कपड़े हैं वो अपन पहन लेते हैं। फटाफट से इसका रूप अपन धारण कर लेते हैं। अब इसके सारे कपड़े मैं पहन लेता हूँ। मैं अभी मैं बन चुका हूँ सोनिक गार्ड। इनको लग रहा होगा मैं बिल्कुल इनके जैसा हूँ। मुझे कैसे भी करके वो चाबी चाहिए होगी ताकि मैं यार वाली ट्रक खोल के अपनी बीवी को बजा सकूँ। मुझे नहीं लगता इन गार्ड्स के पास किसी के पास चाबी होगी। मुझे इनके बॉस को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे इनका बेस अंदर भी मुझे सोनिक दिख रहे हैं। फटाफट चुपचाप चलते हैं। बिल्कुल मुझे नॉर्मल तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। इनको बिल्कुल भी लगना चाहिए कि मैं फ्लैश हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ चुपचाप से मेरी बीवी के लिए। मुझे चाबी चाहिए उस ट्रक की, जैसे मैं खोल के आराम से कर पाऊँ। ये मुझे लगता है इनका बॉस है, इसके पास वो पक्का वो चाबी होगी। अरे बॉस बॉस मेरी बात सुनिए, वो जो बाहर ट्रक खड़ी ना उसकी चाबी चाहिए हमको यार, और कहीं भी ट्रक को खड़े करना है। ओए तू बस सिक्योरिटी गार्ड पे ध्यान दे, गार्डिंग कर, किसी को अंदर मत घुसने दे, ट्रक को मैं संभाल लूंगा। अरे पर बॉस आप समझिए तो सही। ओए चुप रहे, जो बॉस बोलेगा वो मानना है, बोल गया क्या? अबे मैं फ्लैश हूँ, मैं तेरे को नौकर नहीं हूँ, मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ने वाला। ओए गैस चालू करो। क्या गैस चालू करो? अबे ये क्या हो रहा है? अबे ये गैस कहाँ से लग गई? अरे भाई कितना धुआं है। अरे मुझे कुछ दिखा नहीं दे रहा। मेरी आंखों में जा रहा है धुआं। अरे मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे भाई आखिरकार बाहर आ गया। अबे एक सेकेंड, अबे सारे के सारे सोनिक कहाँ चले गए? अबे वो वैन कहाँ चली गई जिसे मेरी बीवी थी? अरे शिट, मुझे लगता है वो वैन को ऐसे लेके निकल गया। अरे शिट भाई मुझे अब क्या करूँ मैं? अरे मैं क्या करूँ क्या करूँ? अभी बाइक पड़ी, मुझे फटाफट से उसको ढूंढना पड़ेगा। और एक सेकंड, यहाँ पे वो जो ट्रक थी उसके यार मतलब टायरों के निशान है, मुझे उसको फटाफट से फॉलो करना चाहिए। अबे भाई वो कहाँ चले गए भाई लेके? इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं भाई? पूरा का पूरा धुआं कर दिया था, मुझे फटाफट से जल्दी उसको ढूंढना पड़ेगा। अभी फटाफट से यहाँ पे ढंग से लैंड हो जाते। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और मुझे पता चला है कि वो यार ट्रक यहाँ पे कहीं पे आई थी, तो मुझे यहाँ पे फटाफट से ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड, ये सामने ये कौन खड़ा है? अभी ये कौन है? अभी ये स्पाइडर हल्क यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे भाई साहब यहाँ पे क्या चल रहा है? इतने सारे लोग क्यों? मुझे फटाफट जाना चाहिए। अरे तेरे को क्या लगता है यहाँ पे शादी चल रही है? किससे पूछ के अंदर जा रहा है? चल निकल यहाँ से, यहाँ पे चल रहा है VIP ऑक्शन। जिसके पास पैसे होते हैं सिर्फ वही जा सकता है यहाँ पे। अबे किसको बोल रहा है तू? मैं भी तो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। अच्छा ठीक है सर, चाहिए चाहिए। तो गाइस सर अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे चल क्या रहा है? इतने सारे लोग, वहाँ पे सोनिक खड़ा है, यहाँ पे हल्क, आयरन मैन और एक स्क्रीन, यहाँ पे तो मेरी बीवी भी है। अबे ये मेरी बीवी को कहाँ से उठा के लेके आ गए? अबे ये क्या चल रहा है? मुझे लगता है वो ट्रक के अंदर इंजनों को भर रही थी। यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे नीचे उतर, रूल्स नहीं बता तेरे को। अरे हाँ उतर रहा हूँ उतर रहा हूँ, मुझे कैसे भी करके बीवी को बचाना पड़ेगा। अरे यहाँ पे चल क्या रहा है? पर वेलकम टू 2021 ऑक्शन, हम आपको ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो आपको बेचने वाले, जो सबसे ज्यादा पैसे लगाएगा उनको मिलने वाले ये सारे सारे चनी। पहला चना है हमारा काला काला स्पाइडरमैन। किसको चाहिए काला काला स्पाइडरमैन? अरे हमें चाहिए, हम 100 मिलियन डॉलर देंगे। आइयो मैं तुमको 150 मिलियन डॉलर देगी रे। तो काला गुलाब जामुन स्पाइडरमैन सेल होता है इन आंटी को 150 मिलियन डॉलर में। अब आ रही है हल्की। तो हमारा बैटमैन भी बिक चुका है पूरे के पूरे 80 मिलियन डॉलर में। अब आखिरी बची है ये लड़की। ये लड़की में खास बात है, आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगी। और भाई मुझे इसको कैसे भी करके खरीदना पड़ेगा, मतलब यार सारे सारे एवेंजर्स बिक चुके हैं। मैं देता हूँ 100 मिलियन डॉलर। अरे वाह वाह वाह, 100 मिलियन डॉलर से और कोई बनना चाहेगा? अरे हाँ हाँ मैं दूंगा 150 मिलियन डॉलर। अबे ओ अंकल, अरे वो मेरी बीवी है, क्या कहूँगी, पागल हो गए? 150 मिलियन आपको दोगे? मैं दूंगा, मैं दूंगा 200 मिलियन। मैं दूंगा 300 मिलियन। मैं 400 मिलियन। मैं दूंगा 1000 मिलियन। 1000 मिलियन? इतने तो पैसे मेरे पास भी नहीं है। तो जी ये लड़की हो चुकी है इन अंकल की, वो भी पूरी पूरी 1000 मिलियन डॉलर्स में। तालियां तालियां। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, इससे तो मेरी बीवी को ही खरीद लिया। अभी ये तो जा भी रहे। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो गाड़ी में? अरे भाई मैं तो गिर गया। अरे अंकल अंकल, वो मेरी बीवी, 1000 मिलियन डॉलर भले आपने दिए पर यार वो मेरी बीवी है। अरे भाई साहब ये तो चले भी गए गाड़ी में, मुझे फटाफट से उसके घर जाना पड़ेगा। मुझे कैसे भी करके अपनी बीवी को वापस लाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके एवेंजर्स भी थे और वो सोनिक भी थे, वो मेरा कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे उनको कुछ किया नहीं, मैं उसके घर जाने वाला हूँ फटाफट से। तो गाइस सर अभी मैं गन लेके घर घुस चुका हूँ उसके घर में। यहाँ पे मेरी बीवी को वो लेके आया, उसकी गाड़ी मैंने बाहर देख रही थी और सामने मुझे वो अंकल दिख रहे हैं, मेरी बीवी दिख रही है। मुझे चुपचाप जाना चाहिए, पहले मैं इनकी बातें सुनूंगा। ये क्या बातें कर रही? एक काम कर दो, घास में कुछ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे चुपचाप बैठ जाता हूँ, इनको किसी को भी नहीं दिखने वाला। अरे जानू तुम आ गए मुझे बचाने के लिए, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, जल्दी मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है।
है। अरे हाँ तो टेंशन मत ले, मैं तुझे तो बचाना है, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं गोली मारूंगा। ये ले मर गया साला, निकल यहाँ से, मेरी बीवी को लेके चलेगा। चल अपन को यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा। चलो मुझे पता चला था ये पुलिस कमिश्नर है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा वरना पुलिस आ सकती है। अरे ठीक है ये भी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई पुलिस तो सही में आ भी गई, अरे अब क्या करें। अरे जल्दी भगाओ। अरे ठीक है। अरे मेरी बीवी गिर गई। अरे भाई ये क्या हो गया, अभी नीचे कैसे गिर गई। अबे जल्दी आ। जानू बचाओ मेरे को। अबे क्या बचाओ, इतने सारे पुलिस आ गए। अबे तेरे को कितनी बार बचाऊं, पहले सोनिक से बचाया, फिर ऑक्शन से बचाया, फिर इस अंकल से बचाया, कितनी बार बचाऊं पुलिस वालों से। मैं नहीं बचा रहा, छोड़ो मेरी बीवी जाए तेल लगाने, मैं जा रहा हूं यहां से। तो गाइस यार अभी मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, भाई बहुत परेशान कर रही, बार-बार थोड़ा बचाऊंगा मैं। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, फटाफट एक कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।